रोहतास जिले में एक आंगनबाड़ी सेविका पर इस लॉकडाउन में राशन कार्ड के लिए सर्वे में नाम जुड़वाने गई एक जरूरतमंद महिला ने गाली गलौज व मारपीट करने का संगीन आरोप लगाया है। मामला डालमिया नगर इलाके के वार्ड नंबर 5 का है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन दिनों राशन कार्ड के लिए सर्वे में नाम जुड़वाने में अनियमितता देखी जा रही है। कोरोना वायरस के बाद हुए लॉकडाउन से गरीबों के सामने जो अनाज खदाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद सरकार ने आनन फानन में आंगनबाड़ी सेविकाओं को सर्वे में लगाया है, लेकिन यह सरकार के भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। डालमिया नगर के वार्ड संख्या 5 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में रूबी खातू नामक महिला ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी सेविका आपसी रंजिश के कारण सर्वे में उसका नाम अंकित नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, आरोप है कि सेविका ने गाली गलौज व मारपीट भी की। भगा दिए, भगाने के बाद हम लोग चुपचाप लगा गए। फिर उसके बाद हम लोग को पता चला कि अभी तक ले जुड़ रहा है, तो हम उनके जाके चाची बोले कि जोड़ दीजिए, तो कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो हम वार्ड कमिश्नर को पकड़े। उनको पकड़े तो वो बोले काहे नहीं हुआ लिखवाई, तो हम कहे कि नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता है, नहीं होता है, बताइए, हम लोग खाने के बिना तरसते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम गए उनको लिया कर, तो कह रही है कि नहीं लिखेंगे, तो बोले कि लिख दीजिए, इनका कड़वा भी नहीं है, राशन मिलेगा, बेचारी गरीब आदमी है। तो कह रही है कि नहीं, इनको लिया कराए हैं, अब जाइए, हम नहीं लिखेंगे, क्या करिएगा, हमको हम नहीं लिखेंगे, भगा दिए। उसके बाद हम लोग गाली देने लगी, हम लोग चले आए। फिर उसके बाद तो इस लॉकडाउन में फिर कैसे चल रहा है आप लोग का खाना वाना, राशन वगैरह नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है हम लोग का, कुछ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग जो रखे थे थोड़ा बहुत राशन उशन पहले, वही हम लोग खा रहे थे, अब नहीं है। कर गए आंगनबाड़ी सेविका के पास, विमला देवी जी के पास, और इन्होंने व्हाट्सएप ने आग्रह किया कि इनका भी राशन कार्ड बनना चाहिए, इनका भी नाम जुटना चाहिए। तो उस पर उनका जवाब था विमला देवी जी का कि नहीं, से ऐसे ऐसे लोगों को आप लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का हम नाम मिला कि नहीं, कुछ राशन नहीं, नहीं कुछ भी अभी तक इसको सरकारी अनुदान नहीं मिला है इस महिला को, और बेचारी हर जगह आस लगाए हुए है कि हमको कहीं से भी अनुदान मिले। इसके 3-4 बच्चे हैं, अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी में है, एक टाइम खा रहा है लोग तो एक टाइम नहीं खा पा रहा है, और राशन दुकानदार वाले लोग भी ऐसे ऐसे लोगों को सहयोग करने से मना कर। इस मामले पर डेहरी सदर की CDPO से शिकायत की गई है। इस संबंध में CDPO कुमारी स्वाति ने सेविका को शो कॉज किया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके समक्ष खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई है, ऐसे में परिवार इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें अब सरकार से ही आस है। ब्यूरो रिपोर्ट। लगन गोई रही औरत, तो भगा दिली, लिखली उखली ना, कहते हम लिखे कम ना जाए, आ फिर उनका लड़का मारपीट के भगैलन। मतलब ये कहल चाहता नहीं कि विमला देवी ने कोई ना अथु माने अथु देवेली इज्जत भा, मतलब कि के ही का ही है। आपके तरफ से क्या प्रयास हो रहा है उस महिला के लिए? हमारी ये कहना है कि उनका कार्ड वोड बन जाए चाहिए, माने राशन उशन मिल जाए चाहिए सरकार तरफ ले। इसके बारे में जैसे ही मुझे वीडियो प्राप्त हुआ उस महिला का, मेरे द्वारा सेविका को सुकल दिया गया है और सभी सेविकाओं को आदेश दिया गया है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में किसी गरीब महिला को या किसी गरीब फैमिली को नहीं छोड़े, सबका राशन कार्ड जरूरी है बनना, कि सारे अमीर को छोड़ के सारे गरीब को लाभ देना है, उसको सौंप दिया गया है और उसका फॉर्म भी भरवा दिया गया है।